नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आज जो मार्केट में मोमेंटम हुए थे उनके पीछे के लॉजिक्स क्या क्या थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग को समझना चाहते हो, तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर आप कॉल टिप को लेके आ रहे हो तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना, और अगर आप इसलिए आ रहे हो कि मैं ट्रेडिंग को सीखना चाहता हूँ, ट्रेडिंग को समझना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आकर ट्रेडिंग को सीख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं प्रॉपर तरीके से मार्केट में सारे सारे लेवल सारी सारी चीजें एक प्राइस एक्शन को मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता रहता हूँ, और मैं यहाँ पे आकर डेली एक घंटे की लाइव ट्रेडिंग कराता हूँ जहाँ पे मैं आपके सारे के सारे डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो भैया हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आज के जो मोमेंटम हुए उनके पीछे का लॉजिक क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पहले मैं लेके आया हूँ एक दिन के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, यहाँ से हमको ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता चलता है। हमारी मार्केट में एक ये वाला जो जोन बना हुआ है, ये मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन जोन है, और आज की जो हमारी मार्केट में यहाँ पे एक हमारी मार्केट में सपोर्ट फाइंड हुआ था ये वाला पॉइंट पे, और हमारी मार्केट गैप डाउन खुलती है सीधा वहीं से ये रिकवरी प्लान करती है। अब ये हुआ क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दो, हमारी मार्केट नंबर एक दो और तीन, तीन तीन हमको यहाँ पे रेड कैंडल देखने के लिए मिली है, उसके बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग है या मार्केट यहाँ से रिकवरी प्लान करेगा, अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, चलिए समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी कल के लिए इंट्राडे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरा देखना होता है, आधे अधूरे वीडियो कभी मत देखो। अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में देख लेना, बट कभी भी आधे अधूरी वीडियो मत देखा करो, पूरी पूरी वीडियो देखा करो जहां पे आपको मार्केट को सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे काम किया था कैसे काम नहीं करती है। ठीक है, तो गाइस आज मैं यहाँ पे कुछ लेवल मार्क करता हूँ। पहले तो सबसे पहला, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 47,000 हमारा एक राउंड नंबर है और एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो गाइस हमने यहाँ पे देखा कि हमारी मार्केट आज एक गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ और हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 47,000 के लेवल पे ही। तो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया 47,000 नंबर है, ऊपर से अप्रोच हो रहा है, यहाँ पे भैया पुट राइटर बैठे होंगे जो कि चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड रहे, है ना। मार्केट हमारा सीधा सीधा यहीं ओपन हुआ, मार्केट में 47,000 पे पुट राइटर्स यहाँ पे हमारे एक्टिव हुए और मार्केट यहीं से रिकवरी करने के बारे में सोचता रहा मार्केट हमारा। उसके बाद मार्केट हमारा बहुत अच्छे तरीके से गया, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पैटर्न्स बने थे हमारी मार्केट में। यहाँ पे ये वाला हमारा लेवल था 500 का, हमारा एक और राउंड नंबर था मार्केट में, इसका भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, देन हमारा मार्केट गया ऊपर की साइड। और अभी हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए गाइस, प्लान हमारा बिल्कुल सिंपल हम यहाँ पे रखने वाले हैं कि इनकेस अगर कल के दिन अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर वो इस रेंज में आके ओपन होता है, इस रेंज में अगर हमारा मार्केट इस रेंज में आके ओपन होता है तो हमने सीधी बाइंग नहीं करनी है, हमारी बाइंग का प्लान होना चाहिए जैसे ही मार्केट हमारा 48,000 कौन सा, जैसे ही हमारा मार्केट 48,000 के लेवल के का ब्रेकआउट देगी ऊपर की साइड जाएगा तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और जिसमें हमारा टारगेट होने वाला है 48,200 का लेवल, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमारा टारगेट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यही सही है कि ये बियरिश ट्रेंड शुरू हुआ था, आप लोग ध्यान रखो कि हमारी मार्केट में जो ये गिरावट आई थी कहाँ से शुरू हुई थी, हमारी मार्केट की गिरावट हमारे इसी वाले पॉइंट से शुरू हुई थी। अब मार्केट में जो लोग यहाँ से सेलिंग में हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से उसको रिजेक्शन खा के नीचे फेंकने की कोशिश करेंगे, बाद में इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम उसके अनुसार प्लान कर लेंगे। पहला टारगेट इसमें हमारा हमारा ये वाला पॉइंट होने वाला है, उसके बाद हमारी मार्केट में ऊपर की साइड एक लेवल और हमारा, मैं उसको आपके सामने निकाल के रखता हूँ जिससे कि आप उसको मार्क करके अपने चार्ट में रख लेना। हाँ, कौन सा लेवल था हमारा, ये वाला लेवल 219 और 220 का लेवल हमारा इसके बाद इसके अंदर टारगेट होने वाला है, और इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट में तो मार्केट हमको यहाँ से एक और नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारा मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके, अगर हमारा मार्केट इस वाले पॉइंट पे ओपन होके यहाँ से इस वाले जोन को काटने का ट्राई करता है तो हमारा मार्केट हमको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। सीधा सीधा 500 के नंबर को टारगेट मत रखना, आपका टारगेट यहाँ पे ये वाला पॉइंट होना चाहिए जो कि मार्केट में आपका नंबर है 47,600 का जोन आपका मार्केट में टारगेट होना चाहिए। तो ये जो हमारे प्लान्स हुए हैं, ये हमारे प्लान्स हुए हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। इन केस अगर हमारा मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए गाइस, सबके लिए प्लानिंग हमारी ये है कि अगर हमारा मार्केट इस 500 के लेवल पे ओपन होता है सीधा सीधा, जैसे आज हमारी मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट फाइंड कर रहा था, हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ पर सपोर्ट फाइंड करके ऊपर की साइड निकल जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपने इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की साइड निकलेगा तो मार्केट यहाँ से फिर देखेंगे या तो ऊपर जाएगा तो ऊपर की बैठ जाएंगे, अगर रिजेक्शन का नीचे की साइड आएगा तो 500 के ब्रेकडाउन पर हम सेलिंग प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारे इसमें होना चाहिए 47,300 का लेवल, उसके बाद सीधा सीधा 47,000 का लेवल सीधा सीधा। इनका अगर हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है नियर अबाउट 47,000 तो मार्केट में यहाँ पे हाई चांस रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवरी प्लान करेगा, क्योंकि आज जो रिकवरी हुई है, आज जो बायर मार्केट में आए हैं, अगर मार्केट में यहाँ तक आएंगे तो उनके पास चांसेस हैं ये इसको यहाँ से रिकवर करने का प्लान करेंगे।
और मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो हम मार्केट में ऊपर की साइड ही प्लान करने वाले हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक के लिए, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। एंड गाइस आई रिमेम्बर, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ होती है, सारी की सारी चीज़ आपके हाथ में यहीं होती हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और अभी तक के लिए आपके लिए बाय बाय दोस्तों।